अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ेंगे पेज डिज़ाइनिंग का एक टॉपिक मेकअप या लेआउट मेकअप क्या होता है जो अरेंजमेंट होता है टाइपोग्राफी को अरेंजमेंट करने का जो प्रोसेस होता है ना उसे मेकअप बोलते हैं टाइपोग्राफी क्या होता है मतलब जब कंपोजिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर की या जो प्रिंटिंग फार्म में आप प्रिंट करने के लिए जो कंपोज कर, कर रहे हैं ना न्यूज़पेपर को उसे टाइपोग्राफी बोलते हैं कि आप किस स्टाइल में आप अरेंज कर रहे हैं न्यूज़पेपर को आपका लेआउट क्या है तो इसमें मेकअप में आ जाते हैं साइज़ ऑफ़ हेडलाइन सबसे पहले मतलब इसमें आप हेडलाइन की जो साइज़ है वो देखते हैं छोटा करना है बड़ा करना है कॉलम के ऊपर कितना साइज़ आ रहा है उसके बाद आपने इसमें मेकअप में ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी स्टोरी आपने न्यूज़पेपर पे पब्लिश करनी है या कितनी स्टोरीज़ आपने पब्लिश करनी है आपके पास कितनी स्पेस है न्यूज़पेपर के लिए उसके बाद साइज़ और नंबर ऑफ़ पिक्चर्स मतलब कितने नंबर ऑफ़ पिक्चर्स आपने न्यूज़पेपर पे पेस्ट करनी है उन पिक्चर्स का साइज़ क्या होना चाहिए जो आपने पेस्ट करनी है उसके बाद ये सब आपने करना है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अंदर रह के मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी डिफरेंट होती है तो उस पॉलिसी के मुताबिक आपने क्या करना है ये सब कुछ करना है टाइपोग्राफी की अरेंजमेंट करनी है तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना अरेंजमेंट ऑफ टाइपोग्राफी इसे बोलते हैं मेकअप या लेआउट तो लेआउट क्या करता है लेआउट जो न्यूज़पेपर पेज होता है ना उसकी जो उसे खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है मतलब उसे बहुत खूबसूरत बनाता है उसे अट्रैक्टिव बनाता है ऑडियंस के लिए रीडर्स के लिए तो और ये दूसरा ये वैल्यू इंक्रीज करता है न्यूज़पेपर पेज की मतलब जो जितना अच्छा होगा न्यूज़पेपर दिखने देखने में जितना अच्छा लगेगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी तो ये क्या करता है इसकी वैल्यू को इन्हेंस करता है उसके बाद जो मैक्सिमम प्रिंटेबल मटेरियल होता है उसे एडजस्ट करता है और रीडर की एस्थेटिक सेंस बनाता है मतलब कि बहुत प्यारा और एस्थेटिक सा लगे देखने में न्यूज़पेपर ताकि जो रीडर है उसका पढ़ने को दिल करे नेक्स्ट इसके पर्पस ऑफ मेकअप आ जाता है तो पर्पस ऑफ मेकअप में यही आ जाता है कि सबसे पहले ये रीडर को अट्रैक्ट करता है मेकअप मेकअप का पर्पज़ यही है कि रीडर को अट्रैक्ट किया जाए रीडर की अटेंशन को ग्रैब किया जाए ऐसा न्यूज़पेपर का लेआउट बनाया जाए कि रीडर का दिल करे कि वो उसे पढ़े उसके बाद इसकी स्टाइल वैल्यू को इनहेंस करता है पेज को ब्यूटीफाई करने में हेल्प करता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेज न्यूज़ मटीरियल को एडजस्ट करता है उसके बाद राइटिंग हेडलाइन में हेल्प करता है मतलब हेडलाइन के साइज़ वग़ैरह में और हेडलाइन लिखने में सारा लेआउट हेल्प लेआउट में किया जाता है ये सब उसके बाद न्यूज़पेपर पॉलिसी की रिफ्लेक्शन मतलब ये जो सारे काम करता है ना लेआउट में जो सारे काम किए जाते हैं सारी जो सेटिंग एडिटिंग ये अरेंजमेंट की जाती है लेआउट में ये सारे न्यूज़पेपर पॉलिसी के अ, अ, अंडर रह के की, की जाती है उसके बाद ये रीडर के एस्थेटिक सेंस बनाता है मतलब एस्थेटिक बनाता है न्यूज़पेपर को देखने में कि वो अच्छा लगे एस्थेटिक लगे कि जो रीडर्स हैं उनका पढ़ने को दिल करे नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ मेकअप तो सबसे पहली टाइप है बैलेंस मेकअप बैलेंस मेकअप में जो पेज डिजाइनर होता है ना वो बैलेंस करने की कोशिश करता है मतलब अगर एक पिक्चर्स लगाई है तो पिक्चर्स के अगेंस्ट पिक्चर लगाएगा अगर स्टोरी उसने पेस्ट की हुई है तो स्टोरी के अगेंस्ट स्टोरी लगाएगा वर्क अगेंस्ट वर्क ठीक है एडवर्टीजमेंट अगेंस्ट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट मतलब इस तरह वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा अगर एक तरफ उसने स्टोरी लगाई है तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट वो स्टोरी ही लगाएगा तो इसमें लिखा हुआ द रीडर गेंस द इम्प्रेशन ऑफ दिस व्हेन समवन लुक्स एट द पेज मतलब कोई भी जब पेज की तरफ देखता है तो वो एक बार रुक जाता है देखकर मतलब उससे अच्छा लगता है देखने को तो इसे कहते हैं बैलेंस मेकअप नेक्स्ट आ जाता है ब्रोकन या मिक्सड मेकअप इस टाइप में बैलेंस मेकअप वाला कोई सीन नहीं होता इसमें अवॉइड करता है बैलेंस मेकअप को जो, जो पेज डिज़ाइनर होता है पेज डिज़ाइनर को फुल फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ पेज को डिज़ाइन करे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जैसा वो चाहता है जैसा वो उसे बनाना चाहता है पेज को तो बिल्कुल वो अपनी मर्जी के मुताबिक <usall>. उसे डिज़ाइन करता है जैसा वो चाहता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक तो इसे कहते हैं ब्रोकन या मिक्सड मेकअप नेक्स्ट आ जाता है सर्कस मेकअप इसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन होती हैं एक्सट्रीम हेडलाइन और जो और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हेडलाइन के बहुत ज़्यादा हेडलाइन होती हैं और वो जैसे चमक रहा, चमक रही होती है ना जैसे कोई चीज़ ऐसे कि जो आंखों को अट्रैक्ट कर रही है आपके आइज को अट्रैक्ट कर रही है तो बिल्कुल इसी तरह होता है ये रीडर की अटेंशन को ग्रैप करने के लिए जो ना हेडलाइन एक्सट्रीम हेडलाइन रखते हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं होता मतलब इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं कर सकता जैसे ब्रोकर मेकअप में हमने पढ़ा के जो पेज डिज़ाइनर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो पेज को डिज़ाइन करता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता और ये जो सर्कस मेकअप वाला लेआउट है ये ज़्यादातर इवनिंग न्यूज़पेपर में फॉलो किया जाता है नेक्स्ट ब्रेस आर फोकस मेकअप इसमें क्या होता है इसमें जो हेडलाइन है ना वो अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर तक जो होती है ना वो अरेंज हुई होती है या बिल्कुल इसी वाइस वर्सा के राइट right से लेफ्ट या लेफ़्ट से राइट right. बिल्कुल इसी तरह जैसे एक ब्रेस ने हाउस को सपोर्ट किया था ब्रेस का क्या मतलब होता है ब्रेस का मतलब होता है जकड़ना मिलाना तो बिल्कुल इसी तरह एक हेडलाइन ने पूरे पेज को मिलाया होता है तो इसमें जो बैलेंस होता है वो डिफ़रेंट डिवाइसेस के ज़रिए जो वो ऑप्टेन करने की या उसे बैलेंस करने की कोशिश की गई होती है जैसे कॉलम्स के ज़रिए बॉक्सेस कट्स के ज़रिए सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि जो अपर राइट right या अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर है उसके जो वेट है उसे कंसनट्रेट करने के लिए ऑक्यूल्ट मेकअप इसमें क्या होता है इसमें सेंटर से डिफरेंस रखा जाता है ये डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रख के अरेंज किया जाता है मतलब इसे ऑक्यूल्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो हेडलाइन होती है उसे पिक्चर्स के साथ बैलेंस किया जाता है ऑक्यूल्ट का मतलब होता है पोछीदा छुपा हुआ खुफिया तो इसमें क्या किया जाता है हेडलाइन को पिक्चर्स के ज़रिए क्या किया जाता है बैलेंस किया जाता है यहाँ देखिए आप हेडलाइन में मे बी बैलेंसड विद द पिक्चर और इसमें कोई परफेक्ट बैलेंस को अचीव करने की कोशिश भी नहीं की गई होती और ये ऐसी टाइप है जो ज़्यादातर फ्रंट पेज मेकअप के लिए यूज़ होती है नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रीम लाइन मेकअप स्ट्रीम लाइन मेकअप जो होता है वो बैलेंस मेकअप की तरह ही होता है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं जैसे हेडलाइन आर फ्लश अप इन कैप एंड लोअर केस टाइप एंड लार्ज बॉडी टाइप्स आर ऑफ्टन यूज इंस्टेड ऑफ बॉक्सिंग स्टोरीज इन फुल थ्री क्वार्टर बॉक्सिस आर रिस्टोर टू मतलब बॉक्सिस वगैरह यूज़ किए जाते हैं इसमें पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है लोअर केस टाइप का या लार्ज बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है और जो ये टाइप है मेकअप की वो ज़्यादातर हाई स्कूल पेपर्स में यूज़ होती है नेशनल डेलीस के ज़रिए से क्वाड्रेंट मेकअप क्या होता है क्वाड्रेंट मेकअप जो होता है ना वो पेज को चार हिस्सों में डिवाइड कर देता है और जो हर क्वार्टर होता है ना उसकी अपनी स्टोरी होती है ठीक है उसके बाद हॉरिजेंटल मेकअप होता है हॉरिजेंटल मेकअप जो होता है ना इसकी जो अपीरेंस होती है ना मतलब जो देखने में वो हॉरीजेंटल रेक्टेंगल्स की तरह का ही होता है मतलब उसकी तरह इसकी अपेरेंस होती है यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेकअप टेक्निक्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़